यहाँ रह सकती हो, पर कादिर के पास मत जाना, नजदीक या मत बढ़ाना। तुम शादीशुदा हो। ठीक है। तुमने उससे शादी ही क्यों की? मुझे लगा कादिर मुझे भूल गया है। उसने सच में उस औरत से शादी कर ली है। फिर मैंने देखा कि वो शादी तो मुंह नहीं खोल सकती थी अपना। मतलब अगर तुम वहां थी, कादिर की शादी देख रही थी, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं तब? उससे उस शादी के बारे में कोई सवाल क्यों नहीं पूछा तुमने? ऐसे दीदी मैं बोलने वाली थी, मैं वहाँ जा रही थी, लेकिन तब मुझे पापा ने रोका। तुम्हारे पापा ने तुम्हें बोलने से रोका था? बहुत बुरे हैं तुम्हारे पापा, बहुत ही बदमाश है। कादिर को तकलीफ दी, कितना बड़ा झूठ बोला हम लोगों से। उन्होंने क्या झूठ बोला था? मतलब तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, कैसे बताएंगे ये भी नहीं बता सकते। मैंने कादिर को। दीदी लड़ने की आवाज नहीं आई तो मैं आ गया। क्यों? खाना रेडी है क्या? देखने आया था। बसरी भैया पूछ रहे ना। कहो। फातिमा ने देर की है, देखो कितनी धीमी है ये। मैं होती तो अब तक चावल पक भी चुके होते। ये भी साफ कर रही है। ठीक है, इतना बस हुआ। देखो, एक घंटे से इस चावल के साथ ये लड़की सिर्फ खेल रही है। ऐसी दीदी ऐसा मत कहिए, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं शुक्रान को भी देती हूँ खेलने के लिए, यहाँ दो मुझे। जाने दो, यहाँ दो मुझे। फातिमा नूर कहाँ है बताओ? पता नहीं क्यों? मैं कॉल कर रहा हूँ, फोन बंद है। अहमद को कॉल करो ना। फातिमा नूर घर से चली गई, कादिर वहां आया था, वो उसके साथ चली गई। उसके घर का एड्रेस पता करो जल्दी। क्यों? क्या क्यों? फातिमा नूर को लाने के लिए। बेवकूफी कर रही है वो। पापा बात बंद करो और जाकर ढूंढो उसे। जैसा आप कहें पापा। जैसा आप कहें पापा।